أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم भद्रक की सरजमीन पर आज का यह अजीम शान जलसा गोली दर्रा। अच्छा बहरहाल जो भी इलाका है आपको पता है और मुझे तो मालूम हुआ कि शायद ये भद्रक का ही इलाका है। यकीनन आज का ये जलसा रखा गया इस जलसे के इनेकाद के लिए बड़ी मेहनतें की गई, बड़ी काविशें हुई, बहुत से नागुफ्ता भी हालात पैदा हुए। सबसे बड़ा तो ये कि जो आपको नहीं मालूम कि आज कलकत्ता से यहाँ जो मेरी फ्लाइट थी वो छूट गई थी और मुमकिन ही नहीं था कि यहाँ मैं पहुंच पाऊं, लेकिन ये नौजवानों का हौसला था, उनकी हिम्मत थी, ये उनका जोश था कि जिसके आगे मुझे भी फिर कार के जरिए तवील सफर करने के लिए आमादा होना पड़ा। तकरीबन 4.5 घंटे का मुसलसल कार का सफर करके फिर यहाँ पहुंचा और दो दिन से नींद भी नहीं हुई है, मुसलसल जाग रहा हूँ, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं। बहरहाल ये नौजवानों की मोहब्बत है कि इन नागुफ्ता भी हालात के पेश नजर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और ये उनकी मेहनतों का समरा है कि आज मैं आपके सामने हूं और ये जलसा अपनी कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। मैं दिल की गहराइयों के साथ इन तमाम नौजवानों के लिए दुआगो हूं कि परवरदिगार आलम इन तमाम के हौसलों में बुलंदी अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में, इनके अमल में, हर दीनी दुनियावी मामलात में खूब तरक्की अता फरमाए। और साथ ही मस्जिद रसूल पर जो हमारे इस वक्त कौम व मिल्लत के मोतमद ज़वील एहतराम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, ममनून मशकूर हूं उनका के कीमती औकात में से कुछ घड़ियां आज के जलसे के लिए उन्होंने अता फरमाई है और अपने वजूद पाक से आज के जलसे को जीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए। हिंदुस्तान अभी जिन हालात से गुजर रहा है सब आपके पेशे नजर है। हिंदुस्तान में इस वक्त शरीयत इस्लामी को लेकर, शरीयत इस्लामिया के ताल्लुक से जो हमले हो रहे हैं वो भी आपके सामने है और सियासी एतबार से जो उथल पुथल हो रही है वो भी आपकी निगाहों में। ये दो हालात तो अभी मौजूदा है और एक जमाने दराज से हिंदुस्तान में जिस चीज से हम जूझते आ रहे हैं,
अहले सुन्नत व जमात के उलमा खवास अवाम जो जी इल्म है जी समझ है जिसके खिलाफ एक महाज खड़ा करके मुसलसल जद्दोजहद में लगे हुए हैं वो एक बद मजहबियत भी एक बहुत बड़ा फितना है। आज एक तो नहीं बहुत सारे फिरके वजूद में आ चुके हैं, फिर हर फिरके के अपने अकायद है, अपने नजरियात है, अपने दलायल है। ऐसे हालात में एक नौजवान, एक इंसान, आम इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि सब इस्लाम की बात कर रहे हैं, सबके सरों पर टोपियां हैं, सब नमाज पढ़ रहे हैं, जाए तो किधर जाए, किसको हक समझे किसको ना हक समझे। ये सब चीजें हमारी निगाहों के सामने हैं। शरीयत इस्लामी की जहां तक मैं बात करना चाहता हूं आज उसी के जिम्न में, उसी के दायरे में और उसी के अर्द-गिर्द मेरी गुफ्तगू होंगी। शरीयत एक कानून है, एक दस्तूर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जो उसके दायरे में है वो मुसलमान है, जो उसके दायरे से बाहर है वो इस्लाम से खारिज है। और आज तक जितने कवानीन अल्लाह ने भेजे या लोगों ने अपने अकल फहम से बनाया, उन तमाम कवानीन में, उन तमाम शरीयत में, उन तमाम उसूलों में, उन तमाम जाब्तों में, उन तमाम दस्तूरों में, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनों में सबसे बेहतरीन अगर कोई कानून है, बेहतरीन कोई शरीयत है वो इस्लाम और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत उतारी गई है। ये एक मोहब्बत और मुबालगे की बात नहीं है, ये हकायत के साथ भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। शरीयत को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किताबें होती हैं। हिंदुस्तान का भी एक कानून है, उसके लिए कुछ किताबें हैं जो कानून की किताबों में मौजूद होता है। कानून को किताबों में लिख दिया जाता है ताकि लोग पढ़ें, समझें, अमल करें। इससे पहले भी जो शरीयतें उतारी गई किताबों की शक्ल में उतारी गई, कानून को किताबी शक्ल में दिया गया। तारीख इस्लाम का जरा जायजा लें आप, कितनी किताबें अब तक उतरी। मैं समझता हूं एक बच्चा भी जानता है कि चार आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन इन चार किताबों के अलावा बहुत सारे सहीफे भी उतारे गए। सहीफे कुछ औराक थे, कुछ कागजात थे, बाज़ अंबिया पे उतारे गए। मुकम्मल किताब नहीं दी गई, कुछ सहीफे कुछ सफात दे दिए गए। कानून का ताल्लुक आबादी पर मुनस्सिर होता था, जितनी आबादी उतना कानून। हजरत आदम के जमाने में कानून ज्यादा नहीं थे, शरीयत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि इंसानी आबादी कम थी। जैसे जैसे इंसानी माशरा बढ़ा, नए नए दस्तूर की जरूरत पड़ी, कवानीन की इजाफे की जरूरत पड़ी, कानून और इजाफा होता रहा, कानून और शरीयत बढ़ती रही। लेकिन मैंने अर्ज किया कि सबसे अजीम शरीयत रसूलुल्लाह की थी। वजह क्या है कि सबसे अजीम किताब कुरान अजीम तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब भेजी गई और अफजलियत का यह आलम है कि नबी तमाम अफजलों में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, तमाम अंबिया में सबसे अफजल। जो किताब नाजिल की गई उस नबी पर वो तमाम किताबों में अफजल, जो उम्मत दी गई नबी को वो तमाम उम्मतों में अफजल। मगर ये उम्मत का अफजल होना क्या उसका जाती अपना फजल है? नहीं, ये रसूलुल्लाह की फजीलत का सदका है कि हुजूर की फजीलत के सदके में उस उम्मत में जो आ गया वो भी पिछली उम्मतों से अफजल है। तौरात की अगर मैं बात करूं, आइए मैं कानून कैसे आए दुनिया में वो बताना चाहता हूं और शरीयत मुस्तफा के कानून की अहमियत क्या है वो दिखाना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है जिनका जिसका नाम है बनी इसराइल। कुरान में जगह जगह जिक्र आया है, बल्कि एक सूरत ही है, पूरी सूरह बनी इसराइल। मूसा से अर्ज किया, कहा कि ऐ मूसा, जब तक आप जिंदा है हम आपकी बातों को सुनते अमल कर लेते हैं, आपके इंतकाल के बाद, आपके जाने के बाद हम अमल किन बातों पे करेंगे? फिर आपकी बातों को लेकर इख्तलाफ हो जाएगा हमने, कुछ कहेंगे मूसा ने ये कहा, कुछ कहेंगे मूसा ने ये नहीं कहा, कुछ याद रहेंगी हमें, कुछ चीजें हम भूल जाएंगे क्योंकि हम इंसान हैं। हाँ, क्या क्या चाहते हो? कहा मूसा, क्यों नहीं ऐसा करते कि आप अल्लाह से हमारे लिए किताब का मुतालबा करें? हमें किताब चाहिए, दस्तूर चाहिए, कानून चाहिए।
किताब होंगी तो हम देख सकेंगे, भूलने का सवाल पैदा नहीं है, इख्तलाफ का सवाल पैदा नहीं होगा। हजरत मूसा ने कौम को समझाया, कहा देखो किताब मत मांगो, तुम मुतालबा करोगे मैं तुम्हारी तरफ से रब से अर्ज कर दूंगा किताब मिल जाएंगी, लेकिन याद रखो ये बड़ा रिस्की मामला है, अगर तुमने अल्लाह की किताब मिलने के बाद उस किताब के मुताबिक अमल किया तो जन्नत में जाओगे, अल्लाह के फरमाबरदार और नेक बंदे कहलाओगे, और अगर उस किताब के कानून को मानने से इनकार किया, रूगर्दानी की, इख्तलाफ किया, तो तुम्हारे लिए जल्लत है, खारी है और जहन्नम का अज़ाब है। क्योंकि जब तक कानून नहीं आता इंसान आजाद है। देखिए एक मिसाल दे रहा हूं, जब तक हेलमेट का कानून नहीं है आप गाड़ी कैसे भी चलाएंगे। अब कानून आया कि गाड़ी चलाना है तो हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, तो अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर हेलमेट कैसा हो ये भी कानून में लिखा जाता है, ISI का एक सिंबल लगा हुआ हो, मजबूत हो, आईना साफ हो, कांच हो, ये हो वो हो, उसमें कमी आई तो आपको जुर्माना भी देना है। हेलमेट नहीं पहना तो आपको जुर्माना भी भरना, आपका चालान भी कटना है। तो कानून जब तक नहीं था तो ना कोई चालान था ना कोई जिम्मेदारी थी, गाड़ी उठाया किक मारी चल पड़े। अब हेलमेट का कानून आया तो अब हेलमेट को साथ में रखने का इत्तेमाम है, तो कानून आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। मूसा ने समझाया, कौम नहीं मानी, जिद करने लगी, नहीं मूसा हमें तो किताब चाहिए। कहा ठीक है, नहीं मानते तो मैं अल्लाह से अर्ज करता हूं, ए खालिक कायनात मेरी कौम मेरी उम्मत किताब मांगती है, किताब चाहिए। अल्लाह ने फरमाया किताब बड़ी अजीम होती है, हम जो कानून देते हैं बड़ा अजीम होता है। मूसा उस कानून को लेना है तो कुछ उसूल है, उसके कुछ जाबते हैं, कुछ तकाजे हैं। क्या तकाजे? का तकाजे ये हैं कि जाओ पहले 1 माह 30 दिन मुसलसल रोजे रखो और रोजे 100वें विसाल के रखो। 100वें विसाल के रोजे क्या थे? हमारे रोजों की तरह नहीं है कि सहरी में खूब ठूस ठूस के खा लिया और इफ्तार में भी खूब ठूस के खा रहे हैं। एक खजूर दी गई है, कहा मूसा ये खजूर को सहरी के वक्त चाट लेना है, चाटा तुमने सहरी हो गई, इफ्तार का वक्त आए तो चाट लेना है, चाटेंगे इफ्तार हो जाएगा, खाना नहीं है। 1 महीना ऐसा रहो, 1 महीने ऐसे रोजे रखो कि ना पानी तुम्हारे शिकम में जाने पाए ना कोई गिजा, सिर्फ खजूर को चाट सकते हो। और जब 1 महीने की मुद्दत पूरी हो जाए, एक अजीम मुकाम पर आना, वादी है मुकद्दस, जिसका नाम है मुकद्दस वादी, जिसको कोहे तूर भी कहा गया। कोहे तूर पर आना, ये वादी बड़ी मुकद्दस है हमारे नजदीक, बड़ी पाक और साफ वादी है, बड़ी अजमत वाली वादी है। मूसा वादी पे आना, किताब दी जाए। 30 दिन रोजे रखे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, दहन के अंदर मुंह में एक बू पैदा हो गई जो रोजे की हालत में एक रोजादार महसूस करता है। आदमी जब दिन भर रोजे से रहता है तो उसको अपने आप में एक बू महसूस होती है, मुंह में एक अजीब किस्म की बू होती है जिसको जबान से और अल्फाजों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। 30वां दिन आया, हजरत मूसा ने ख्याल किया आज जाना है कोई तूर पर, रब से कलाम करने का शर्फ हासिल होगा, बू मुंह में आ रही है, इस बू को दूर कर देना चाहिए। मिसवाक लिया, मिसवाक फरमाई, रहमत के कुछ फरिश्ते थे कि जो रोजा रखने से लेकर अब तक जनाबे मूसा का तवाफ करते थे, जैसी मूसा अलैहि सलाम ने मिसवाक किया फरिश्तों ने मूसा को छोड़ दिया, हजरत मूसा से अलैदा हो। अर्ज की रब्बे कायनात के फरिश्तों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये रहमत के फरिश्ते जो मेरे इर्द गिर्द चला करते थे, फिरा करते थे, मेरा तवाफ करते थे। इरशाद रब्बानी हुआ, मूसा रोजेदार के मुंह की बू फरिश्तों को और रब को मुश्त ज्यादा बेहतर है, तुमने इस बू को दूर किया इसलिए फरिश्ते दूर हो गए, तुमने इसको एक बू जाना लेकिन अल्लाह को बड़ी पसंद है। अब तुम 10 रोजे और रखो, 40 की गिनती पूरी कर लो, 10 रोजे फिर और रखे, 40 रोजे मुकम्मल हुए, कोहे तूर पर पहुंचे, यक बारगी एक साथ मुकम्मल किताब तौरात अता कर दी। क्या थी तौरात? बड़ी जखीम किताब, पत्थरों की सीलों पर, पत्थरों की तख्तियों पर आयते कुंदा थी, कुदरत इलाही जो खुद ब खुद आयते आ गई, लिखा नहीं गया। जनाब मूसा अलैहि सलाम ने कलम नहीं चलाया, रब के हकाम रब के फरामीन पत्थरों पे नुमाया हो गए, और कितनी सीले थी, कितने पत्थर थे, सारे पत्थर आसमान से नाजिल हुए थे, जमीन से नहीं थे,
कागज नहीं था बल्कि कागज की जगह पत्थरों की पतली पतली सीले, और जब सबको मिलाया जाए तो बड़ी जखीम किताब जिसको पूरी कौम में हजरत मूसा के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता था। और पूरी कौम में तौरात के सिर्फ दो हाफिज, क्योंकि इतनी जखीम किताब थी कि 1000 सूरतें थी उसमें और हर सूरत में 1000 आयतें। अब इतनी जखीम किताब हिफ्ज कौन करे, किसी के बस में नहीं है। नतीजा क्या हुआ, पूरी कौम में दो ही लोग हाफिज कुरान हाफिज तौरात है, तौरात के दो ही हाफिज है, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। कोई तौरात को हिफ्ज करने वाला भी नहीं। हजरत मूसा का जब विसाल हो गया, कौम ने इतने सारे कानून को देखा, घबराहट महसूस की कैसे अमल करेंगे। जिस कानून में मुश्किल नजर आती, सख्ती नजर आती अमल करने में, किताब से निकाल देते, तहरीफ करते रहे, अमेंडमेंट होता रहा, इतना निकाला, निकालते रहे, सदियां निकालते रहे, दौर गुजरता रहा, तौरात निकलती रही, आयतें गायब होती रही, निकलते रही। नतीजा यह हुआ कि आज तौरात मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, अब किताब नहीं रही, एक छोटा सा किताबचा रह गया, चंद सौ सफे का एक छोटा सा रिसाला, ये आज की मौजूदा तौरे। मतलब क्या हुआ, बताने का मकसद ये है कि शरीयत की हिफाजत नहीं कर सके कौम बनी इसराइल के लोग, शरीयत में तगय्युर किया, तब्दीलियां लाई, मनमानी तरीकों से चीजों को हटा दिया। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया, दाऊद से भी हजरत दाऊद की कौम ने कहा, ऐ दाऊद हमें भी किताब चाहिए। कहा देखो किताब का मुतालबा मत करो। कहा नहीं, किताब तो हमें चाहिए, किताब मिल जाए तो कानून में अमल करने में, शरीयत पर अमल पैरा होने में आसानी होगी। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, रब्बे कायनात मेरी कौम किताब मांगती है। अच्छा दाऊद एक साल रोजा रखो, जाहिरन बातिनन ताहिर पाक और साफ हो जाओ। कैसे रोजा रखना है, एक साल एक दिन खा सकते हो, एक दिन रोजे से रहो। 6 माह रोजा, 6 माह खाया, एक साल मुकम्मल हुए। कहा गया दाऊद जो किताब हम तुम्हें अता करेंगे बड़ी अजीब किताब है, आम जगह पर नहीं दी जाएंगी, किसी मकसूद आम जगह पर नहीं अता की जाएंगी, एक मुकद्दस अजीम मकाम की जरूरत है जहां किताब नाजिल की जाए, इसलिए एक मकाम की निशानदेही की जाती है, वहां अल्लाह का घर तामीर करो और उसका नाम बैतुल मुकद्दस रखो। बैत यानी घर, मुकद्दस यानी मुकद्दस अजीम घर, बेहतरीन अजीम अजमत वाला घर तामीर करो, वहां किताब देंगे। भाई समझ में आ रहा है कि बोर तो नहीं हो रहे ना, ये थोड़ी सी तमीज समझेंगे आप तो आगे की गुफ्तगू को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी तमीज समझना जरूरी है, और फिर बदलते हुए हालात क्या हुए वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हजरत दाऊद ने जब बैतुल मुकद्दस की तामीर शुरू की, कुछ हालात ऐसे दरमियान में आए, उसकी तफसीर में मुझे जाना नहीं है, मैं जाऊंगा वक्त लंबा हो जाएगा, वाकयात बढ़ जाएंगे, क्योंकि मौजू का मेरा वो नहीं है आज, शरीयत के तहफ्फुज की बात हम कर रहे हैं, सीरत मुस्तफा की हमें बात करनी है शरीयत के हवाले से। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम से वो खिदमत ले ली गई, अब बैतुल मुकद्दस की बाकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। बहरहाल बैतुल मुकद्दस तामीर हुआ, और जब बैतुल मुकद्दस तामीर हो चुका, यकबारगी एक साथ ज़बूर अता की गई। ज़बूर भी बड़ी ज़खीम किताब थी, पूरी कौम में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ज़बूर का हाफिज ही नहीं, इतनी वसी और इतनी लंबी चौड़ी किताब। और हजरत दाऊद को एक ऐसा लहन दिया गया, ऐसी आवाज, सुरैली आवाज, जब जुबूर की तिलावत करते हजरत दाऊद तो आसमान से उड़ते हुए परिंदे ठहर जाते। आज इतनी तरक्की के बाद हवाई जहाज बीच में रोक नहीं सकते आप, हेलीकॉप्टर रुक जाता है अलबत्ता, हवाई जहाज नहीं रुकता, लेकिन परिंदे ठहर गए। दरिया का पानी रुक जाता, और हजरत दाऊद जब झूम के जुबूर की तिलावत करते तो पहाड़ों तक जब आवाज आती तो पहाड़ हजरत दाऊद की आवाज में मगन होकर हिलने लगते और झूमने लगते। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज की सोज़ो गुदास थी।
लेकिन क्या हुआ जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद पहले दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आपके बेटे सुलेमान का इंतकाल हुआ, कौम ने जबूर को बदलना शुरू किया। ये कानून निकालो हमारे बस में नहीं अमल करना, इसको निकालो, ये तो बड़ा हार्ड कानून है, बड़ा मुश्किल कानून है, निकालो ये शरीयत का, ये कानून बदलो, ये बदलो बदलो बदलो, जबूर किताब चाहो। ये मैं जो बता रहा हूं ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, आज जबूर भी मौजूद है। आज की जबूर जो ये लोग बताते हैं पर्शियन पारसी लोग, आज की तौरात जो यहूदी बताते हैं। अब तीसरी किताब का मामला देखिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, रब्बे कदीर मेरी कौम को भी किताब अता की जाए। अल्लाह ने फरमाया ईसा किताब देंगे, रोजे रखो, एक माह के मुकम्मल रोजे रखो, पाक और साफ और ताहिर होकर मुकद्दस जगह हो। कौन सी जगह मुकद्दस है? मुकद्दस हो जिसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं, वहां एक मकाम है यरूशलेम कुब्बतुस सखरा, जहां पर हजरत ईसा की पैदाइश हुई। ईसा बड़ा अजीम मकाम है, जब तेरी माँ हामला हुई और तुझे पैदा करना चाहा ईसा, हमने वही की मरियम की तरफ कि यरूशलेम की तरफ आ जाए, और यरूशलेम में उस मकाम को अब जिसको कुब्बतुस सगरा कहा गया वहां पर ईसा को पैदा करे, ईसा को तौलूत करे। ईसा जहां तू पैदा हुआ हमने तेरी पैदाइश के लिए बड़ा बेहतरीन अजीम मकाम चुना, वही तुझे हम किताब देंगे। किताब अता की गई, किताब का नाम था इंजील। लेकिन आज इंजील कहां है? गायब। चार इंजीलें आज जो पाई जाती है, लूका की, यूहन्ना की और दिगर दो इंजीलें हैं। ये जो चार इंजीलें पाई जाती है ये वो इंजील नहीं है जो ईसा पे नाजिल हुई। यूहन्ना आपके हवारी है, लूका आपका हवारी है, ये अपने किस्से बयान कर रहे हैं और इनकी कौम समझ रही है कि साहब ये तो वही इंजील है। अरे भाई इंजील तो वो थी जो हजरत ईसा पर वही आई थी, ये वही नहीं है, ये लूका अपना किस्सा सुना रहा है, तो लूका जो सुना है वो वही इलाही थोड़ी है। इंजील में तहरीफ हुई, इंजील को भी आज बदल डाला और एक नई उसकी जगह इंजील तराश के चार अनाजील के शक्ल में पेश कर दिया, कहा ये इंजील है। और फिर उसमें इतना तजाद है कि एक मुस्तकिल उनवान रखता है कि इस पर मैं गुफ्तगू करूं कि एक इंजील में कुछ है दूसरी इंजील में कुछ है, और इंजील में ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका सर चकरा जाएगा कि या अल्लाह ये अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकती। आप कभी मान सकते हैं कि ये इंजील में लिखा होगा कि हजरत ईसा सुअरों को चराया करते थे? ये इंजील में शराब पिया करते थे हजरत ईसा? यहां तक लिखा है कि दाऊद की चार बेटियां थी, दाऊद ने अपनी चारों बेटियों से जिना किया और उससे बच्चे पैदा हुए, माशाल्लाह। ये इंजील वो नहीं है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई। कौम ने तहरीफ कर दिया, कौम शरीयत बदलती रही। वजह क्या थी? शरीयत क्यों बदली जा रही थी? किताबों में तहरीफ क्यों हो रही थी? अमेंडमेंट क्यों हो रहा था? किताब नबी मांगता था, उम्मत मांगती थी, अल्लाह देता नहीं था, अल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं अता किया, मांगने पर दिया गया। लेकिन कुरान अजीम वो है, शरीयत मुस्तफा वो है, मुस्तफा ने मांगा नहीं है, रब ने खुद अता किया, रब ने खुद अता किया। और ये अजीम किताब, इतनी अजीम किताब, नबी इतना अजीम, इतना महबूब, इतना पसंदीदा कि मूसा ने जब तौरात मांगा तो अल्लाह ने फरमाया मूसा रोजा रख कर आओ, पाक और साफ होकर आओ, और तौरात लेना है कोहे तूर पर आओ, कोहे तूर पर तुम्हें आना पड़ेगा, किताब चाहिए तो तुम्हें मशक्कत उठानी है, तुम्हें आकर किताब लेना है। और सुनो जबूर के लिए, जबूर पे जबूर का मुतालबा करने वाले दाऊद, तुझे अगर दाऊद तुझे जबूर चाहिए तो तुझे बैतुल मुकद्दस आना है, रोजे रखकर आना, तुझे आना है तो किताब दी जाएगी, तू आएगा तो देंगे। ईसा अगर तुझे किताब चाहिए तो तुझे यरूशलेम आना पड़ेगा और साफ पाक होकर आना पड़ेगा, तू आएगा तो दी जाएंगी। लेकिन आए मेरे हबीब, मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है, तुझे किताब लेने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, तू जहां होगा वहां किताब आएंगी, तू बद्र में होगा किताब वहां आएंगी, तू ओहद में होगा किताब वहां आएंगी, तू खंदक में होगा किताब वहां आएंगी, तू मक्के में होगा किताब वहां आएंगी, तू मदीने में होगा किताब वहां आएंगी। अरे हद तो ये है, तू पहलुए आयशा में होगा और किताब वहां आएगी। ये ऐसा अजीम नबी, जहां नबी है वहां किताब आ रही है, इसे किताब लेने नहीं बुलाया गया। और कहा हबीब तूने मांगा नहीं था, हमने अपनी मर्जी से दिया,
इन्होंने मांगा था तो दिया, तूने तो मांगा ही नहीं, हम दे रहे हैं। और जब हम दे रहे हैं, उन्होंने मांगा था तो हमने देते हुए कहा हिफाजत करो, हिफाजत करोगे इनाम इकराम से नवाजे जाओगे, और हिफाजत नहीं करोगे अजाब का शिकार हो जाओगे। लेकिन हबीब तूने मांगा थोड़ी है, हम दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो हिफाजत का जिम्मा भी हम लेंगे, तेरी उम्मत की हिफाजत हम नहीं रखेंगे। हमने ये किताब तुझ पर उतारी और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो जब रब शरीयत मुस्तफा की हिफाजत रब करने वाला है, शरीयत रब ने दी है, शरीयत रब ने अता की है, शरीयत को रब ने नाफिज किया है, मुस्तफा ने हम तक पहुंचाया है। तो जब रब ने नाफिज किया इस शरीयत को, कानून खुदा का है, तो आज मोदी जैसा कोई सैकड़ों आ जाए वो खुदा के और मुस्तफा के कानून की एक दफा को भी खुदा की कसम नहीं बदल सकता। तो जाहिल है वो मुसलमान जो मोदी की हामियां मिला के कहते ठीक तो है बदल दो। हमने कहा हमने बनाया नहीं तो हम कैसे बदले, बदले वो जिसने बनाया है, और जिसने बनाया वो बदलने से पाक। तो जब वो बदला नहीं जा सकता तो ऐसे करोड़ों आ जाए, हम ना तो उसको मानेंगे ना बदलने देंगे। और अगर तुम बदल भी दो, तुम्हारी हमारी बला से तुमने बदला तो खुश हो जाओगे, तुमने बदल दिया। लेकिन तुम बदल भी दो तो हम मानने वाले नहीं, तुम्हारी बदले हुए कानून हमारी ठोकरों पर। हम तो कानून खुदा के पाबंद है, किसी इंसानों के बनाए हुए कानून के पाबंद नहीं है। इंसानों के कानूनों में अमेंडमेंट हो सकता है, खुदा के बनाए हुए कानून में नहीं हो सकता। तो किताब तो नहीं बदली गई, जेर भी नहीं बदला गया, सबर भी नहीं, जैसे उतरी थी आज तक वैसी। हर्फ तो बदलना दूर की बात, अरे आयत तो निकालना दूर की बात। कौमों ने तो पूरे पूरे सूरते गायब कर दी भाई, तौरात 1000 सूरतों पर आज चंद सूरतों पर है, सूरत ही की सूरतें गायब हो गई। लेकिन कुरान अजीम की अजमत तो देखो, आयत निकालना तो दूर की बात, जेर और जबर भी नहीं बदला जा सकता, और ना खुदा की कसम कयामत तक बदला जा सकता। क्यों खुदा इबादत का जिम्मा लिया हुआ? और हिफाजत कैसे करेंगे? कुरान की आयत पर गौर कीजिए, इन्ना नहानो, बेशक हम, इन्ना नहानो नज़्ज़लन ज़िक्रा, इस ज़िक्र को, इस कुरान को हम ही ने नाज़िल किया। अल्लाह कहता हमने नाज़िल किया, हमने भेजा है, भेजने वाला मैं हूं, नाज़िल करने वाला मैं हूं। वाइन्ना बेशक, वाइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। हालांकि अरबी जबान में वाहिद के लिए या तो अना आता है या इन्नी आता है, लेकिन यह नहानो आया है। मुबालगे कैसे, जमा कसे का इस्तेमाल किया गया, मुबालगा है, बहुत ही मुबालगा, दोनों जगह नहानो आया है। और फिर उसमें खास बात देखिए, अरबी जबान में हिफाजत के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, हफीज, हफीज भी इस्तेमाल होता है। ये भी तो कहा जा सकता था, इन्ना नहानो नज़्ज़लन ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इसको नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले, तर्जमा तो वही बनता था। मगर कुरान में लफ्ज़ क्या आया, लहाफिज़ून, हाफिज़ून, हाफिज़ून जमा है हाफिज की, गोया इशारा किया गया कि हिफाजत हम कैसे करेंगे। तुम कागज की स्याही को बदल सकते हो, तुम औराक को बदल सकते, अरे कुरान हम हाफिजों के सीने में उतार देंगे, और जब सीने में उतारेंगे तो सीने में छपे हुए कुरान को कैसे बदल सकोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा लग रहा है कि मैं ये तकरीर उड़ीसा में नहीं, कश्मीर में कर रहा हूं। सब सर्दी की वजह से जमे बैठे हैं कि ना सुभान अल्लाह हो रही है ना माशाल्लाह, बस सब बैठे हैं। दो घंटे का बोले थे, 100 रुपए देने का बोले, 2 घंटे का 100 रुपए लेंगे चले जाएंगे। सुन्नियों के जलसे ऐसे सर्द मोहरी वाले नहीं होते भाई, सुन्नी जिंदा कौम का नाम है। ये मुर्दारी तो बदअकीदों का शेवा है, उनका मुकर्रर भी बदअकीदा मुर्दार होता है। भाइयों बहनों, अल्लाह ताला फरमाते हैं,
हालांकि रसूल ने इरशाद फरमाया और मजमा भी है, सुन्नियों के जलसे ऐसे नहीं। याद रखो सुन्नी जोशीली कौम है, जब तक हम में ये जोश जिंदा है हमारे ईमान में हरारत मौजूद। तो अगर सुनना है तो जोश के साथ सुनिए, वरना फिर मैं घड़ी देखूंगा, हो गया भैया एक घंटा बोला खत्म, खुदा हाफिज सलाह अलैकुम। मजमा साथ दे तो फिर मैं बहुत बोलता हूँ, मजमा साथ नहीं दे तो बोलता जाने तो छोड़ो यार, ये सब चिकने घड़े बैठे, फिर पानी डाल रहा हूँ ऊपर खा रहा हूँ, सब बह रहा है। तो आप अपनी बेदारी के सबूत के साथ सुनिए, बेदारी का सबूत देते रहिए, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये वो बातें, अगर मैं ये बातें बंबई या महाराष्ट्र में बोलूंगा तो मजमा उछल जाए, ये ऐसे नुकात हैं, लेकिन पता नहीं आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे नहीं मालूम। और ताज्जुब है मुजाहिद मिल्लत के इलाके में आप, मुजाहिद का ढीला ढाला होता है, मुजाहिद वो होता है जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है उसी को मुजाहिद कहा जाता है। हाफिजों के जरिए हम हिफाजत करेंगे। मैं इसके ताल्लुक से एक बात तारीख के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, एक तहरीक निकली थी शुद्धिकरण तहरीक, नाम सुना आपने? हाँ या ना भाई? नहीं सुना तो नहीं सुना, उसमें क्या जरूरी है क्या? नहीं सुना तो मुताल्ला बड़ा कली। शुद्धिकरण तहरीक थी, एक बहुत बड़े पंडित पैदा हुए थे, उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। एक किताब लिखी सत्यार्य प्रकाश, मौजूद है, मिलती है मार्केट में, मेरे पास भी मौजूद है, बड़ी जखीम किताब। कुरान पर इतराज, पहला ही सफा खोलिए सत्यार्य प्रकाश का, पहले सफे में लिखा कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं। फिर क्या है कहा, मोहम्मद एक पागल आदमी था, मोहम्मद एक दीवाना मजनून था, दीवानगी में कुछ बड़बड़ाता था तो लोग समझते थे जो कुछ ये बड़बड़ा रहा है अल्लाह की तरफ से, उसी को कुरान समझ लिया। तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा और कुरान को हुजूर के पागलपन का नतीजा कहा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, सदबार करोड़ बार कुरान पे एतराज करता, मुसलमानों की आबादियों में निकला। यूपी के ऐसे कई शहर थे कि जहां वो जाता और जब तकरीरें करता, प्रवचन देता, तो हजारों की तादाद में मुसलमान उसके प्रवचनों से मुतासिर होकर इस्लाम में फिर जाते, काफी हो जाते। जब इसका ये शोर, इसका ये फितना बहुत बड़ा, तो हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उलमा की टीम तैयार की और उस टीम का सदर बनाया हुजूर सैयदना हजरत अशरफी मियां आले रहमत और रिजवान, जो कचौजा के साहिब सज्जादा थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिरनानी की नस्ल से आले रसूल थे। उनको सदर बनाया मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, जो आलत के खलीफा थे, आलत के तंजुमान पे जिन्होंने तफसीर लिखी, उसको कमेटी का नायब सदर बनाया गया। सरकार मुफ्ती आजम को अपनी साहबजादे को सेक्रेटरी बनाया और शेर बशर सुन्नत को नायब सेक्रेटरी बनाया, जॉइंट सेक्रेटरी। कमेटी तैयार हुई, कमेटी का नाम रखा गया रजाए मुस्तफा। काम क्या सौंपा गया, अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह अलैह वो थे जिनको आला हज़रत ने कहा था शेर बशेर अहले सुन्नत, संस्कृत पढ़ी, संस्कृत पर उमूर हासिल किया, मौलाना नईमुद्दीन ने संस्कृत का इल्म हासिल किया, हिंदू के ग्रंथों का मुताला किया। और फिर ये टीम निकली, अब पता लगा थी कहां स्वामी श्रद्धाना ने, मालूम होता फुला गांव में इसका प्रवचन होने वाला है। ये पहुंचते और पहुंचने के बाद उसको चैलेंज करते कि अगर तू सच्चा है तो हमसे मुनाजरा कर। स्वामी को पता चलता है कि ये टीम आने वाली है, पहले ही फरार। कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, हाथी नहीं आता था। अब उस जमाने में इतना मीडिया तो फास्ट नहीं था ना कि फौरन मैसेज आ जाए आपको फला गांव में। अब किसी गांव में पहुंचा और वहां किसी ने खत लिखा या टेलीग्राम दिया कि स्वामी यहाँ आया है या आने वाला है, टेलीग्राम पहुंचेगा, आप सफर करके जाएंगे, जब तक तो स्वामी जी प्रवचन दे के बाहर। तो अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह अलैह कोशिश की कि ऐसा मालूम किसी वक्त ऐसा हो जाए कि किसी गांव में आना वाला हो, पहले ही पता चल जाए और हम पहले ही चले जाए। तो इत्तेफाक से ऐसी हुआ कि एक करीब के गांव में वो आने वाला था उनके पीलीभीत के, अल्लामा हशमत अली शेर बशेर सुन्नत उस गांव में पहुंच गए पहले।
और पहुंचने के बाद वहां एक शख्स के घर कयाम किया अपने चाहने वाले की और कहा खबरदार पूरे गांव में, गांव तो बड़ी बात है, पड़ोसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं यहां मौजूद हूं। स्वामी गंजलाल स्वामी का प्रवचन का दिन आया, स्वामी जी आए, आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग, बड़ा मजमा हजारों का हुआ। प्रवचन जैसे ही शुरू हुआ अल्लामा हशमत अली का अले रहमा मजमे को चीरते हुए इसके स्टेज के पास आ गए। सर पे टोपी है, इमामा है, हाथ में छड़ी है, उसने जब एक मौली को देखा तो कहा क्या चाहते हो, कौन है आपका? सुनो स्वामी सत्यानंद साहब, मैं अहमद रजा खान, मौलाना अहमद रजा खान आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक अदना शागिर्द हूं और तुम्हें मुनाज़रे का चैलेंज करने आया हूं। आज तुम प्रवचन नहीं दोगे, मुझसे मुनाज़रा करो। मैं तैयारी से हूं, आओ मुनाज़रा करो। तुम कुरान पे इतराज करते हो? उसने कहा मैं प्रवचन देने आया हूं, मुनाज़रे ऐसे नहीं होते। कहा कैसे होते? का उसके लिए वक्त चाहिए, डेट डिक्लेयर की जाती है, मौजूद तय होता है। ये क्या कि आप मेरे मजलिस को और मेरी सभा को खराब करने आ गए? तो अल्लामा हशमत अली मजमे की तरफ रुख करते, समझ गए स्वामी फरार इख्तियार कर रहा है, भाग रहा है, भगोड़ा भागने का रास्ता निकाल रहा है। मजमे की तरफ देखते कहा कि लोगो ये स्वामी आर्य है, आग का पुजारी है, आपको माबूद मानता है। ये कहते हैं मुनाज़रे के लिए वक्त चाहिए। मैं एक ऐसी चीज सामने रखता हूं जिसके लिए किसी वक्त की जरूरत है। चंद मिनटों में फैसला हो जाएगा कौन हक पर है और कौन बातिल पर। और फैसला ये है कि स्वामी आग का पुजारी है, ये आग को माबूद मानता है और हम आग को खादिम मानते हैं। आग हमारी खिदमत के लिए पैदा हुई है, इबादत के लिए नहीं। तो मेरा चैलेंज है स्वामी को कि मुनाज़रा अपना करे, मुबाहला करे। और मुबाहला ये कि आग जलाई जाए, स्वामी भी कूदे, मैं भी कूदता हूँ, जो बच जाए वही मज़हब उसका सच्चा। तो स्वामी ने मजबूर होकर कहा कि मौलवी जी आग का काम जलाना है वो तो जलाएंगे। तो आपने मुस्कुरा के कहा पता चला कि जिसकी तुम पूछ रहे हो वो भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती और आग हमारी खादी में, अगर हमारे खादिमों के आका तू ना सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी। जब अल्लामा हशमत अली ने गरज कर कहा तो जितने लोग वहां ऐसे बैठे थे जो मुर्तद हो गए थे, इस्लाम से फिर गए थे, एक बार ही खड़े होकर उन्होंने नारा बुलंद किया और कहा कसम खुदा की आज हम जान लिए कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, हम तौबा करके इस्लाम में दाखिल होते। और कई सौ हिंदू तौबा करके वो भी इस्लाम में दाखिल। और देखा तो स्वामी को भागना पड़ा कि अगर यार कुछ देर ठहर गया ऐसा ना हो कि पूरा पूरी सभा जो है मुसलमान हो जाए, फिर मेरा मर्डर और कत्ल ही ना कर। ये इस्लाम की हकानियत थी, कुरान की हकानियत को हमारे उलमा ने इस तरह जाहिर किया। और एक मौके पर अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसने कहा कि मुरादाबाद, तो उसने कहा कि मुनाज़रे के लिए वक्त चाहिए। कहा कि कोई वक्त की जरूरत नहीं है, तुमने इस पर किताब लिखी है, उन्हीं बातों पर मुनाज़रा होगा जो तुम अपनी किताब में लिख चुके हो, तुम्हें कोई मजीद चीज की जरूरत नहीं है, हम उसी का जवाब देंगे। कहा ठीक है, फिर अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है तो आपको मालूम होना चाहिए मौलवी साहब कि मेरा पहला ही इतराज और जो सबसे बड़ा इतराज है वो ये है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। ये मोहम्मद जुनून में पागलपन में कुछ बड़बड़ाता था और उसके मानने और चाहने वाले समझते थे अल्लाह की तरफ से कुछ उतर रहा है, वो लिख लेते थे ये कोई अल्लाह की किताब नहीं। तो आपने फरमाया कि सुनो अगर तू अरबी जानता तो मैं तुझे एक चैलेंज करता, मगर मुझे मालूम है कि तूने सिर्फ चंद बंद अकीरों के तर्जमे पढ़कर इतराज जड़े, तो अरबी से ना बला, तुझे अरबी का इल्म नहीं। अगर तू अरबी की महारत रखता रहो तो मैं ये कहता कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसलिए कि तू क्या तेरे से बड़े से बड़े 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 जब गुरु घंटाल थे दुनिया में, जिस वक्त कुरान नासिल हो रहा था उस वक्त कुरान यही चैलेंज उनको करते हुए नजर आ रहा था। उस वक्त तेरे भी आबा और अजदाद, तेरे भी गुरु घंटाल जो यही कह रहे थे कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद जुनून में बड़बड़ाता है, जिन आके बताता है। तो अल्लाह ने फरमाया था व इन कुंतुम फी रायबी मिम्मा नज़ल्ला अला अब्दिना फातू बिसूरति मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन।
ऐ लोगो अगर तुम्हें इस बात में शक हो कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है जो हमने अपने खास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी, अगर तुम्हें शक हो कि किताब अल्लाह की तरफ से नहीं, तो फिर हम चैलेंज करते हैं कि इसके जैसी एक सूरत तो बना के ले लाओ, इसके जैसी एक सूरत। और कैसे लाओ? अगर तुम सच्चे हो तो अपने हवाली मवाली सारे जितने छोटे बड़े छुपाइए सब मिलकर जमा हो जाओ, अल्लाह को छोड़कर सब एक हो जाओ और जैसे एक सूरत को ले आओ। फाइल लम तफालू वलन तफालू ए हबीब, ये ना ला सके जब, और हम पहले से ही फरमा देते ये हरगिज़ हरगिज़ ना ला सके, इनकी औकात ही नहीं कि ले आए कुरान के मुसल्ले। तो जब ये ना ला सके तो वकूद हन्नास वल हिजारा वाइदत लिल काफिरीन, तो आप फरमाइए डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। तो तू अरबी नहीं जानता तो तू क्या चैलेंज का जवाब लाएगा? चल मैं तेरे फहम के एतबार से चैलेंज करता हूं। ये मौलाना नईमुद्दीन सदुल्ला फाजिल का चैलेंज है, काउ चैलेंज को तू पूरा कर दे, उम्मत और कौम खुद समझ जाएंगी, तेरे मजहब के मानने वाले खुद समझ जाएंगे कि कुरान अजीम ये नबी की ऊपर जो उतारा गया ये अल्लाह की लाई हुई शरीयत है, अल्लाह की नाफिज किया हुआ का कैसा चैलेंज का? देखो जितनी तुम्हारे धर्म की किताबें तुम भी ले आओ, दीगर दराइम की जो मजाहिब की किताबें वो भी ले आओ, इंजील भी ले आओ, तौरेत भी ले आओ, जुबूर भी ले आओ, यजुर्वेद लाओ, सामवेद लाओ, अथर्ववेद लाओ, ऋग्वेद लाओ, रामायण लाओ, महाभारत लाओ, कुरान जितने सब ले आओ, हम भी कुरान लेकर आते और सारी किताबों को समुद्र के हवाले कर दिया जाए, सब किताबों को समुद्र में डाल दो और फिर उसके बाद कहो अगर तुम्हारा मजहब सच्चा है तो अपने अपने धर्म की किताबें दोबारा लिखो। तो कोई किताब दोबारा सही लिखी नहीं जा सकेगी, लेकिन कुरान वो है जिसका जेर बदलेगा ना जबर बदलेगा, इसलिए कि कुरान कागजों में महफूज नहीं की गई है बल्कि हाफिजों के दिलों में महफूज कर दी गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी कुरान वो मोजिजा है रसूलुल्लाह का, छोटे से छोटा बच्चा उसको हिफ्ज करता है, और दिगर किताबें छोटी छोटी किताबें भी है कई, इंजील इंग्लिश में, आज की इंग्लिश इंग्लिश में आज की इंजील, जबकि जो हजरत ईसा पे नाज़िल हुई थी वो इंग्लिश नहीं थी, वो इब्रानी ज़बान थी जिसको हेब्रू बोलते हैं, ज़बान आज भी बोली जाती है। तौरात सुरियानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, लेकिन इन्होंने लैंग्वेजों को भी बदला, बावजूद इसके कि इंग्लिश आज इनकी मदर टंग है, अरबी हमारी मदर टंग नहीं, अरबी हमारी मादरी ज़बान नहीं रही, लेकिन एक वो बच्चा जो अरबी समझता भी नहीं है मगर अरबी में कुरान पूरा हिफ्ज़ कर लेता है, पूरा महफूज हो जाता है, और ये इंग्लिश समझने के बाद भी आज तक इंजील को हिफ्ज़ नहीं कर सकता, एक भी इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा, कोई भी आपको यजुर्वेद और सामवेद का हाफिज नहीं मिलेगा। तो पता चला ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब ना होती तो दिलों में रासिख ना होती, दिलों में रासिख इसीलिए है कि अल्लाह की तरफ से। लेकिन बहरहाल ये वाकया से मैंने बताया कि शरीयत मुस्तफा ना बदली जा सकती है ना कोई बदल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे नाबिकार जरूर हुए जिन्होंने कहा क्या हुआ कि शेर नहीं बदल सकते, जबर नहीं बदल सकते, लेकिन कुरान का तर्जमा तो बदल सकते हैं। अब आ रहा हूं, शेर बदलेंगे करोड़ों हाफिज पकड़ लेंगे, जबर बदलेंगे करोड़ों हाफिज पकड़ लेंगे। अरे हाल तो ये है कि काफी साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, तरावी पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने शेर में गलती की, पीछे दो हाफिज फौरन टोक देते हैं, हाफिज साहब वो शेर नहीं था, जबर था, आपने शेर से पढ़ा, पेश नहीं था वहां, आपने पेश से पढ़ लिया, टोक देते सैकड़ों जानने वाले। तो कुरान में अगर जेर बदलेंगे तो पकड़े जाएंगे, जूते पड़ेंगे, पेश बदलेंगे तो पकड़े जाएंगे, जूते पड़ेंगे। अब अंग्रेजों का तो पैसा खाया है, अंग्रेजों की वफादारी का तो सबूत देना है, अब तो बिक चुके हैं, बर्तानिया के हाथ भी कहते किसी जमाने में, अब अमेरिका के पिट्ठू और रखेल बने हुए हैं, नहीं समझ मेरा इशारा? एक जमाने में हम अमेरिका के हाथ बर्तानिया के हाथ बिके थे, आज अमेरिका के हाथ बिके,
वफादारी करना है। कुरान का जबर तो नहीं बदल सकते, तर्जमा तो बदल सकते, तो आज ऐसी शक्ल सूरत में तराजीमों के साथ कुरान पेश किए जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद अक्ल हैरान हो जाती है कि या अल्लाह ये मजहब का कितना सत्यानाश करने पे तुले हुए। पूरे दुनिया इस्लाम में इस वक्त 56 मुल्क है, आपको मालूम है इस्लामी कंट्री कितनी है? 56 दुनिया में 56 मुल्क वो है जो इस्लामी मुल्क है। ये अलग बात है कि सब ख्वाबे गफलत का शिकार होकर सोए हुए हैं, वरना 56 कंट्री एक जगह आ जाए तो अमेरिका जैसे उस ताकतवर को भी दबा दे, लेकिन एकता नहीं। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, पूरे 56 ममालिकों में कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा कुरान मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देता है? बोलिए। अरे क्यों इतना डर के बोल रहे यार, हिंदुस्तान में भी डर रहे हो? सऊदी अरब। लोग बड़े खुश होते हैं, देखो बेचारे कितने नेक लोग हैं यार, कितना दीन का दार, देखो कुरान देते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल, दो दो ले जाओ, तीन तीन ले जाओ, ले जाओ, हर ज़बान में तर्जमा है, उर्दू में तर्जमा, इंग्लिश में, बंगाली में, गुजराती में, दुनिया की हर ज़बान में तर्जुमे रखे हुए, ले जाओ ले जाओ। भाई कितने नेक लोग, कितना दीन का दर्द, चाहते पूरी दुनिया में दीन आम हो जाए, कुरान दे रहे हैं, धड़ल्ले से दे रहे हैं, ले जाओ ले जाओ। आप भी ला रहे हैं मुफ्त का माल लेके, आप भी उठा के ला रहे हैं, बड़ा खूबसूरत छपा हुआ, बड़ी खूबसूरत किताबत, ऐसी किताबत, ऐसे कागज, ऐसी बाइंडिंग, ना हमारे यहाँ ऐसी किताबत नजर आती है, ना बाइंडिंग, ना कागज नजर आता है, ना वैसी जिल्द नजर आती है, बड़े खुश होके लाए। लेकिन क्या कभी कुरान खोलकर उसके तर्जुमे पे गौर भी किया कि क्या धांधली हुई है? आइए मैं सऊदीया के छपे हुए कुरान की एक कुछ धांधली आपको दिखाता हूं। पारा नंबर एक है, आयत नंबर 155 सूरह बकरा, ये तर्जमा है जो सऊदीया हाजियों को ले रहे हैं। आइए भाई उलमा को दिखाने के लिए क्या मुझे देखेंगे पब्लिक को, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है भाई कहीं? चलो आप खुश नसीब है देख रहे हैं, बेचारे नहीं देख पा रहे। ये सऊदीया का कुरान है जो हाजियों को मुफ्त में बंटता है। मेरे ख्याल से इसी मजमे में ऐसे कई हुज्जाज बैठे होंगे जिनके पास भी मौजूद है ना, छोटे साइज का, आज ही घर जाके खोलो और ना मिले तो अगली बार जब मैं आऊं तो बस्तरा लेकर आना और मेरी मूछ काट दे मजमे में और बोलना तेरी मूछ इसलिए काट रहे हैं कि तू बहुत बड़ा झूठा और मक्कार है। हमने तो ऐसा तर्जुमा नहीं पाया। जूनागढ़ी मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा देखिए जो सऊदीया दे रहा है, सूरह बकरा आयत 115 क्या तर्जमा हुआ जरा आइए देखिए इस्लाम का कैसा मजाक बना रहे हैं। आयत 115 सूरह बकरा, अल्लाह फरमाता है وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ترجمہ کیا اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ بولیے معاذ، اللہ کا منہ ہے کون ہے جو کھڑے ہو کے بولے میں اللہ کا منہ مانتا ہوں؟ और अगर कोई कहता है कि हाँ अल्लाह का मुंह है मैं तो मानता हूं, तो मैं कहूंगा फिर नाक कितनी बड़ी है जरा बता दे भाई, मुंह है तो दांत है या नहीं अल्लाह को? वो बड़ा माशाल्लाह, होंठ कैसे है, गाल कैसे है? ये अगर ऐसे तर्जमे कुरान के पेश किए जाएंगे इस्लामी तालीमात के खिलाफ तो कल एक गैर मुस्लिम पढ़ेगा इस तर्जमे कुरान को, कहेगा हिंदुइज्म में और इस्लाम में कोई इख्तलाफ है ही नहीं, झगड़ा ही नहीं, खत्म, मामला साफ। किस मुंह से कहते हो कि तुम्हारा मजहब बड़ा ग्रेट है? किस मुंह से कहते हो कि इस्लाम बहुत अजीम मजहब है? खुदा का तसव्वुर कुछ अलग है। तुम कहते हो खुदा निराकार, किसी आकार का नहीं, जिस्म से पाक, जिस्मानिया से पाक, आजा से पाक। अरे तुम्हारे भी तो खुदा के मुंह है, और देखो इसमें दो बातें जम है, मशरिक का मालिक अल्लाह, मगरिब का मालिक अल्लाह, तो जमाल का मालिक भी अल्लाह हुआ, शमाल का मालिक भी अल्लाह हुआ, तो चारों सिमतों का मालिक अल्लाह। तुम जिधर रुख करो अल्लाह का मुंह उधर है, मशरिक की तरफ भी अल्लाह का मुंह है, मगरिब की तरफ भी अल्लाह का मुंह, शमाल और जुनूब की तरफ, तो अल्लाह के भी चार मुंह हुए, तो कहा कि प्रॉब्लम क्या है? हमारे भी ईश्वर और भगवान के चार वो तुम्हारे खुदा के भी चार, झगड़ा खत्म।
तो ये इस्लामी तालीम के खिलाफ तर्जमा हुआ कि नहीं? ऐसे तर्जुमे देके कहा जा रहा है कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, कौम को बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बन समझ। अब बेचारी हमारी कौम तो वाकई बड़ी भोली है, इतनी भोली है बेचारी, करेंसी बदलना है तो बराबर लाइन में लगना समझता है। करेंसी नहीं खराब होनी चाहिए, चार घंटे भी लाइन में लगकर अगर हमें करेंसी बदलने का मौका है तो हम बदलेंगे, मेहनत कर लेंगे, मगर अकीदा बदल रहा उसका प्रॉब्लम नहीं, वहावड़े के साथ बैठ के चाय पीना नहीं छोड़ सकते। अकीदा बदले हमारी वला से, करेंसी तो बदलना बहुत जरूरी है, अकीदे को बचाना जरूरी है, करेंसी बचाना बहुत जरूरी है। करेंसी अगर नहीं खड़े रहेंगे चार घंटे, करेंसी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मगर ये नहीं समझ रहा ऐसे मनुष्य के साथ बैठेगा तो ईमान खराब हो जाएगा। तो यहां पर तर्जमा किया कि अल्लाह का मुंह है, जबकि इस्लाम का अकीदा यह है कि अल्लाह मुंह से पाक है। इसलिए कि कुरान अजीम दूसरी जगह कहता है पारा नंबर 25 सूरह शूरा आयत 11 में अल्लाह इरशाद फरमाता है लैसा का मिस्लिही शयउन वहुव समीउल बसीर। अल्लाह कहता है उसकी किसी से मिसाल नहीं दी जा सकती, वो किसी की तरह नहीं, वो सुनता है कान से पाक है, वो देखता है आंख से पाक है, उसकी किसी से मिसाल नहीं। तो मुंह तो ये मिसाल हुआ ना, बंदे की तरह मुंह बताया गया ना, बंदे का भी मुंह है खुदा का भी। अब कोई होशियार बैठा हो और सोचे कि फारूक रज़ी घुमा रहा है खामोखा, वहां अरबी ज़बान में लफ्ज आया है वज़हुल्लाह, वज़ह के मायने चेहरा तो होते ही अरबी लोग। मैं कहता हूं वाकई तुम या तो बनते हो या फिर जाहिल हो। ज़बान में एक लफ्ज के कई मायने होते हैं और ये देखा जाता है कि इसका इस्तेमाल किसकी तरफ की जा रही है, इसकी मुराद क्या है। क्या हमारी अपनी उर्दू ज़बान में इशारों में नहीं गुफ्तगू की जाती? किनाए नहीं है हमारे यहाँ, इशारे नहीं है, महोरात नहीं है, इस्तलाए नहीं है, है कि नहीं? है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं नागपुर से आता हूँ, एक मौलाना साहब हमसे पूछते हैं कि फारूक साहब आप नागपुर में रहते हैं? जी मैं नागपुर में रहता हूँ। फला मौलवी साहब को पहचानते? हाँ बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। क्या हाल है उनका? मैंने कहा भाई क्या बताए उनका हाल, नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या? समझे आप यहाँ से मौलाना साहब नंगे घूम रहे, चड्डी और वो क्या आपके हमारा चड्डी बोलते, आपके क्या बोलते उसको, चड्डी बोलते क्या? वो भी नहीं, नहीं, नहीं नंगे घूम रहे। मैंने कहा नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या, यानी नहाते वक्त भी कपड़े दिए नंगे नहाते? नहीं, ये बेवकूफ आदमी समझेगा, अकलमंद समझेगा कि भाई उनकी गुरबत का इजहार कर रहे हैं, उनकी गरीबी बता रहे हैं कि उर्दू जबान का एक महावरा है। गोया बताया जा रहा है कि इतने मुफनी से कि ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए ठीक से कोई रुपये नहीं है कि खाना खा सके, खाने का इंतजाम कर सके, बड़ी गुरबत से गुजर रहे। आप क्या कौन है भाई, मिनिस्टर कौन है आपके यहाँ, क्या नाम है, क्या नाम? नवीक पटनायक, पटनायक, चलो सर यही है ना पटनायक। एक साहब से आप झगड़ा लड़ रहे हैं और एक साहब आगे कहते हैं इससे नहीं लड़ना, पटनायक का हाथ इसके ऊपर है, क्या मतलब? पटनायक का हाथ कट के इसके कंधे के ऊपर लगा हुआ चिपका हुआ है। अरे भाई इससे मत लड़ो यार, इससे मत उलझो, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ों में बैठता है, पटनायक साहब का हाथ है इसके ऊपर। तो हर आदमी समझ गया कि हाथ से मतलब हाथ नहीं होता जनाब, मतलब ये पटनायक का खास आदमी है, खास गुर्गा है, इसको कुछ करेंगे शिकायत कर देगा वो नाराज हो जाएगा, वो हमारा फिर खराबा कर देगा। तो ये मुहावरे होते हैं और कुरान अजीम में माहौरे भी इस्तेमाल हुए हैं, किनाए भी हैं, इशारे भी हैं, और कुरान खुद अपने बारे में वजाहत के साथ कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ मेरे हबीब मैं दो तरह की आयतें तुझ पे नाजिल करता हूँ, एक मुताशाबिहात है, एक महकमात है। महकमात वो है जिसके मायने मालूम है, जिसका तर्जमा भी किया जा सकता है, जिसको समझा भी जा सकता है, जिसको समझना भी है, मालूम करना भी है, उसके अहकामात पर अमल भी करना है। लेकिन ऐ मेरे हबीब मुताशाबे वो है कि जिसके मायने अल्लाह के सिवा और तेरे सिवा कोई जानता ही नहीं, अल्फाज है लेकिन वो मुताशाबे है।
और जिनके दिल में कजी है, कुरान कहता है जिनके दिल में टेढ़ापन है, जिनके दिल टेढ़े हो गए, गुमराहियत की तरफ चले गए, वो मुहम्मद को छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं। वो आयते जिनके मायने उनको बयान नहीं करना चाहिए उसके मायने निकालते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो ये वजह जब जो आया ये मुतशाबे हैं। और मुतशाबे क्या होता है, मैं इसकी मिसाल दे दूं आपको। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान जो कुरान की बड़ी अजीम तफसीर है उसकी जिल्द नंबर 1 सूरह बकरा की पहली आयत में तफसीर लिखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है अली, आका ने कहा मैं जानता हूं, का या रसूलल्लाह, हुजूर ने कहा मुझे मालूम है सरकार, आका ने फरमाया ये तो मुझे पहले से ही पता था। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये अली क्या मुझे नहीं मालूम, ये लाम क्या है मुझे नहीं मालूम, ये मीम क्या है मुझे नहीं मालूम, ऐ मेरे आका मुझे रब ने कहा पहुंचा दो, मैंने पहुंचा दिया लेकिन मैं अलीफ लाम मीम नहीं जानता। हुजूर ने कहा जिब्रील सुन, ये अल्लाह ने एक राज मुझे बताया, एक राज की बात मुझ पे जाहिर की जिसमें से मैं कुछ जानता था कुछ मालूम था, कुछ पहले से पता था कुछ अभी पता चला। और ऐ जिब्रील ये रब के और मेरे दरमियान वो राज है जहां तेरी भी रसाई नहीं। तो जब वही लाने वाला जिब्रील ना समझ सका आयत मुतशाबे को तो ये मुल्ला समझने चला और तर्जमा करने बैठ गया। तो मुफस्सरीन मुहदिसीन अकायद के इमाम फरमाते हैं कि जब लफ्ज अरबी जबान में आएगा बद की तरफ तो वहां चेहरा ही मुराद दी जाएगी, लेकिन जब अल्लाह के लिए आएगा तो लफ्ज मुतशाबे माना जाएगा, उसका तर्जमा नहीं किया जाएगा बल्कि वह तावील की जाएगी, वहां मुराद दी जाएगी। तो अला इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत पहले 150 सदी हिजरी के इमाम है, वो फरमाते जहां जहां कुरान में वज है वहां उसकी रहमत मुराद है, जहां यद लफ्ज है यद के मायने जाहिर हाथ होते वहां अल्लाह के हाथ मुराद नहीं लिए जाएंगे, जहां रिजल लफ्ज है रिजल के मायने पैर होते, लेकिन अगर अल्लाह के बारे में ये लफ्ज आए तो वहां पर पैर मुराद नहीं उसकी कुदरत और ताकत मुराद दी जाएगी। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु वाहिद वो हमारे इमाम हैं जिन्होंने ऐसा बेहतरीन तर्जमा किया जो गुमराहियों के रास्ते बंद कर दिए, गुमराहियों से लोगों को बचा लिया। और तर्जमा यूं फरमाया कि मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम इधर भी रुख करो अल्लाह की रहमत तुम्हारी जानिब मुतवज्जे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये तर्जमा है जो दुरुस्त है। आज शरीयत को बदलने के लिए कुरान नहीं बदल पा रहे हैं तो कम से कम तर्जुमों में हेर फेर जरूर किया और इस्लाम के खिलाफ अकायद नजरियात पेश किए गए, वरना फिर कोई बाई कलाल साबित करे कि अल्लाह का मुंह है तो कैसा है और किन किन इमामों ने अल्लाह का मुंह मुंह की तरह ही माना और फिर बताएं कि इस आयत करीमा का क्या मतलब है, लैसा का मिस्ल ही शायउन व हुवा समीउल बसीर, इसका भी मतलब ये आयत जबकि मौका में। एक और मैं आयत आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सऊदीया से वही तर्जमा छपा जूनागढ़ी साहब का जो हाजियों को दिया गया, पारा सूरह रूम है पारा 31 आयत नंबर 38 है। देखिए वही सऊदीया वाला यहां भी उन्होंने क्या तर्जमा किया मौलवी साहब मोहम्मद जूनागढ़ी ने करा दिया। ये अहले हदीस जमात के बहुत बड़े अल्लामा अहले हदीस इन्हीं का तर्जमा पढ़ते हैं। पारा 31 सूरह रूम आयत 38 अल्लाह इरशाद फरमाता فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله। अब तर्जमा करते हैं मौलवी साहब के पास, कुराबतदार को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दीजिए। अल्लाह यहां कुछ सदके खैरात करने की बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे जो रिश्तेदार है गरीब है उनको उनका हक दे दो, उनकी मदद करो। मिस्कीन जो गरीब है मिस्कीन है उनकी मदद करो। मुसाफिर है ऐसा मुसाफिर जिसके माल गुम गया, माल खत्म हो गया, जाने के लिए पैसे नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, परेशान हाल है, मुसाफिर है बेचारा, तो ऐसे मुसाफिर की भी मदद करो, इन सबको हक दो। आगे तर्जुमा किया ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला का मुंह देखना चाहते हैं। तो पढ़ने वाला कहेगा अल्लाह का मुंह है दिखता भी है, देखा जा सकता है,
तो फिर गैरों में क्या और हमारे अकीलों में क्या फर्क है? वो भी तो यही कहते हैं कि साहब हमारे ईश्वर का भी मुंह है, चार चार थोबड़े इधर उधर मिलाकर, और तुम्हारे यहां भी खुदा का। याद रखिए हदीस पाक में है, सही बुखारी में आका ने फरमाया कयामत के बाद हश्र के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, और जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी अजीम नेमत ये होगी अल्लाह का दीदार। एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, अल्लाह रसूल बेहतर जाने, आदम से लेकर कयामत के आखिरी फर्द तक कितने लोग होंगे, अल्लाह के रसूल सब अल्लाह को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि उनका जहन यही है कि अल्लाह मुजस्सम की तरह होगा, माशाल्लाह, यानी मशरी तकाजे से वो सोच रहे हैं कि एक साथ को देखना हो और लाखों लोग देख रहे हो तो सबको नहीं नजर आ सकता। तो उसी अंदाज में सवाल किया, आका मुस्कुराए, उनके सवाल पर कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर करोड़ों लोग हो और वो सब एक साथ जमीन से खड़े होकर चांद को देखे तो कैसे देखेंगे? कहला नबी हर कोई आसानी से कहा तुम अपने रब का दीदार इससे भी आसानी से कर लोगे, उसका दीदार होगा मगर वो चेहरे से और कैफियतों से पाक है, बिला कैफ दीदार उसकी कैफियत नहीं। लेकिन तुम तर्जमा करके कौम को ये बता रहे हो कि अल्लाह का भी मुंह है, तो फिर हिंदुओं ने क्या कसूर किया कि उन्होंने अपने खुदा और अपने ईश्वरों के भी मुंह तराश लिए, तो आपके और उनके अकीदे में क्या फर्क? और तुम चले हो सूफियों को मुशरिक मुशरिक कहने, अपने घर का जायजा लो मौलवी साहब, सऊदीया से जो मुफ्त में उठा के लाए हो पहले उसी को खोलकर देख लो, आखिर ये मुंह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि यहाँ एक बेहतरीन जुमले के साथ बेहतरीन तर्जमा किया जा सकता था, और वही तर्जमा आला हजरत ने किया, कौम को गुमराहियत से भी बचा लिया, कुफ्र से भी बचा लिया, और तर्जमा नहीं किया, मैं कहता हूँ कुरान की तर्जमानी कर दी, और यूं तर्जमा किया आला हजरत ने, पस कुराबदार को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को उनका हक दीजिए, ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं। ये क्या अल्लाह का मुंह देखना चाहते हैं? मुंह दिखाई करेंगे? दुल्हन है कोई अल्लाह घूंघट में बैठी है कि मुंह देखना चाहते हो, ये काम करके आओ तो मुंह दिखाई होगी? क्या बेहुदा तर्जमा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम, कितना खटिया तर्जमा है ये तर्जुमे की। तो ये तर्जुमे करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंजर बता दूं, यही वहाबी जमात का असल अकीदा है, इसी अकीदे की बुनियाद पर हम कहते हैं इनसे बचो बचो, 60 साल की दोस्ती काम नहीं आएगी, 60 साल पियो चाय, खूब पियो खूब पियो खूब पियो, मर जाओगे तो ये फातिहा पढ़ने भी कब्र पे नहीं आएगा मनुष्य, इसके नजदीक तो कब्र पर आना ही शिर्क, फातिहा पढ़ना ही शिर्क, दोस्ती भी उससे की जो मौत के बाद भी याद ना करे। अरे दोस्ती तो उन सुन्नियों से करता कि तू मर जाए लेकिन जब भी वो याद करे तो तेरे नाम से कम तीन कुल पढ़ के तो बख्श दे, ऐसे से दोस्ती कर रहा है। किससे दोस्ती कर रहा है? ये भी ठीक वो भी ठीक वो भी ठीक, बीच वाला कौन होता है? मैं नहीं बोलता, खुद ही समझ, या तो ही होता है या तो शी होता है, इंग्लिश में बीच में लिए कोई वर्ड ही नहीं, दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो जा, या तो सरासर बन गया सरासर सब हो जा, ये कब तक इधर उधर इधर उधर इधर, ये भी ठीक वो भी ठीक ये भी ठीक वो भी ठीक। अरे बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की नहीं है, जो कांग्रेस की है वो बीजेपी की नहीं, दुनिया की दो मिसालें, दो पार्टियों की एक जैसे सोच नहीं हो सकती, दो फिरकों की सोच एक जैसे कैसी होगी? ये भी ठीक वो भी ठीक। और कुरान कहते हैं कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते, जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। तो जब अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते, तू 70 साल 80 साल मर जा वजीफा कर करके, ठीक ठीक ठीक, मगर अल्लाह कहेगा तेरे ठीक कहने से कुछ नहीं होता, ठीक तो वो जिसको मैं ठीक कहूं, गलत वो जिसको मैं गलत कहूं। अगर बंदा बनना है खुद ही बे डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो कम से कम अपना तो बन, ये जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह का मुंह बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह पड़ी? असल में मामला क्या है?
वहाबी जमात का गैर मुकल्लिद हो अहले हदीस हो या देवबंदी हो इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोगों को धोखा देने के लिए ये तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, किसी को हम मानते नहीं, हम तो सिर्फ कुरान और हदीस, बस कुरान और हदीस, डायरेक्ट कुरान और हदीस की बात करते हैं। लेकिन अंदर ग्राउंड में अपने मुल्लाओं की बात इतना मानते हैं कि किसी के बाप की भी नहीं मानते। अब मैं इसका सबूत देने जा रहा हूं कि ये अल्लाह का मुंह और अल्लाह का जिस्म बताने की जरूरत क्यों पड़ी। मामला यह है कि 661 हिजरी में इनका सबसे बड़ा गुरु घंटाल पैदा हुआ, जिसको देवबंदी भी मानते हैं और जिसको अहले हदीस भी मानते हैं। इनके गुरु का नाम था अबुल अब्बास तकीउद्दीन अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया, इतना लंबा नाम। ये बहुत बड़े आलिम थे, इसमें कोई दो राय। और आला हज़रत फरमाते हैं कि इब्ने तैमिया इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आलिम था कि इल्म ज्यादा हो गया, अक्ल छुट्टी हो गई, इल्म समाया नहीं, उबल के गिर गया। भाई खाना ज्यादा और बर्तन छोटा हो तो क्या होगा, गिरने लगेगा ना, वही इसका हाल हुआ। तो इब्ने तैमिया को खप सवार हुई, उसने किताब लिखी, किताब का नाम रखा उसने मिनहाजुस सुन्ना, फिर किताब लिखी उसका नाम रखा अल अर्श, और उसने कहा कि अल्लाह ताला का जिस्म है। ये गलत है कि जो लोग कह रहे हैं, आज तक कहते आ रहे हैं कि साहब अल्लाह जिस्म से पाक, आजाद आजाद से पाक, जिस्म जिस्मानियात से पाक, हुदूद से और लिमिट से पाक। नहीं, अल्लाह की हदें हैं, लिमिट है, हुदूद है, जिस्म है, जिस्मानियात है, आजा है, सब कुछ है। अल्लाह जिस्म रखता है, हाथ पैर कान नाक सब है, और अल्लाह हाथ पैर कान नाक सब जिस्म के वासात अपने वजूद के साथ अर्श के ऊपर बैठा हुआ है और वहीं बैठ के वो सारा काम चला रहा है। फिर लिखा कि जब वो चाहता है उतर भी जाता है। मिनाजुस सुन्ना जिल्द नंबर 2 है, उसकी किताब मेरे पास मौजूद है, सफा 26 है। इब्ने तैमिया के अल्फाज सुनिए, कितने घटिया अल्फाज हैं, और इसको अहले हदीस बहुत बड़ा शेखुल इस्लाम इमामुल असर मुजद्दिद वक्त ना जाने क्या 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 बना दिया। इब्ने तैमिया कहता है लियाकल हय्युल कय्यूम यफलू मा यशा, हमारा अकीदा है कि अल्लाह जिंदा है, दूसरों को जिंदा रखता है, जो चाहता है वो करता है, वायु तहर्रिको इज़ा शा, वो जब चाहता है हरकत करता है, हिलता है, डुलता है। जैसे मैं बैठे बैठे हिल रहा डुल रहा हूं तो अल्लाह भी हिलता भी है डुलता है। वह युग बसो जब चाहता है अपने आप को समेट लेता है, वह या बिस्तो, और जब चाहता है अपने आप को फैला लेता है, वह यकूमो, जब चाहता है वो उठ जाता है, वह युजलिसो इजाशार, जब चाहता है बैठ भी जाता, उठता है, बैठता है, फैलता है, समेट लेता है, फूल जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह है, गुब्बारा है, फुब्बा है। अब उससे जब मुनाजरा हुआ, उस जमाने के बड़े बड़े आइम्मा थे हमारे अहले सुन्नत के, और उन्होंने उसको चैलेंज किया, चल बैठ साबित कर कैसे अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह अर्श पर बैठा है। तो उसने दलील में एक आयत पेश की, वो आयत मैं भी आपको सुनाऊंगा, वो आयत दिखाऊंगा भी इन्हीं के घर के तर्जुमे के साथ। उसने आयत पेश की, उलमा ने इसके जवाब दिए कि सबसे पहली बात तो इसमें जिस लफ्ज का तर्जमा तू बैठना कर रहा है वो तर्जमा किसी अरबी लुगत के हिसाब से बनता है। दूसरी बात, ये आयत मुतशाबे है, जिसके बारे में तमाम आइम्मा मुफस्सरीन सहाबा तक का इत्तेफाक और इजमा है कि आयत मुतशाबे, और आयत मुतशाबे के जो मायने बताए उस पर अकीदे का जिक्र करे, अकीदा बयान करे, वो गुमराह बद्दीन है। तो जो आयत मुतशाबे तो उसका अकीदा कैसे गढ़ता है। मुनाजरे हुए, जब वो जवाब ना दे सका तो बादशाह वक्त ने फैसला सुनाया, जेल में ठूंस दो, जेल में घुसड़ के डाल। कुछ दिनों के बाद तौबा किया, माफी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ, बख्श दो, जेल से निकालो, परेशान हो गया, अपने अकीदे से तायब होता हूँ, माफी नामा लिखकर भेजा। बादशाह ने उल्मा से मशवरा किया, उल्मा ने कहा चलो आलिम दीन है, माफी मांग रहा, तौबा कर रहा, छोड़ छोड़ दिए। बाहर आया, कुत्ते की दिन फिर टेढ़ी की टेढ़ी, नहीं सुना। कुछ दिन ठीक रहा, फिर वही अकीदे का उसने प्रचार शुरू किया, वही अकीदा फैलाना शुरू किया, कहा कि अल्लाह बैठता है, और कहा कि पहले तो मैं यही कहता था कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, फिर किताब लिखी अल अर्श, और उस किताब अल अर्श में कहता है। अब तो मेरा ये भी अकीदा है, मैंने तहकीक की, तो तहकीक के बाद अब मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह कादिर है, कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है, जहां चाहे बैठ सकता है, अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे भी बैठ सकता है।
फिर दोबारा जेल में डाल दिया, फिर तौबा किल्ला किया, फिर छोड़ दिया गया, फिर वही अकीदा फैला। तीसरी बार ऐसा जेल में ठूसे इसको कि 728 हिजरी में सिर्फ जेल से इसकी लाश निकली। इब्न तैमिया तो मर गया, उसका नजरिया नहीं माना, उसका अकीदा नहीं माना, उसका शागिर्द इब्न कय्यम जौजिया उसने इस अकीदे को फैलाया। उसके बाद उसके और दीगर शागिर्दों ने अकीदे को फैलाया। धीरे धीरे अंदर छुपे छुपे में अकीदा फैलता रहा, ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी एक साल तक छुप छुप के नोट बनाते रहे। और फिर अचानक पता तब चला कि जब 1115 हिजरी में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, तो उसने इब्न तैमिया की किताबें पढ़ी और बड़ा मुतासिर हुआ, और उसने किताब तौहीद लिखी, कहा कि मैं भी वही अकीदा रखता हूँ जो इमाम इब्न तैमिया का अकीदा है, और अकीदा यही कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ। और आज सारे वहावी जमात इब्न तैमिया और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की पैरवी करते हुए इसी अकीदे को फॉलो करते हैं। दलील में क्या आयत पेश करते हैं जरा आइए। यह है कुरान करीम का तर्जमा जो वहीदुज़्ज़मा साहब ने किया है। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद के थे ये वहावी जमात की शुरुआत करने वालों में यही है। अहले हदीस फिरके को हिंदुस्तान में राज करने वाले में से यही है, इब्तदाई लोगों में है। इनका तर्जमा कुरान आज भी मिलता है, इस्लामी किताब उर्दू बाजार कराची से छपा है जो मेरे पास मौजूद है, हिंदुस्तान में भी आपको मिल जाएगा। कुरान करीम का पारा नंबर 11 है, आयत नंबर 3 है सूरह यूनुस। सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 पारा 11 ये आयत इन्होंने दलील में बनाई कि अल्लाह उस पर बैठता है। तर्जमा क्या किया जूनागढ़ी साहब ने जरा सुनिए, माफ कीजिएगा वहीदुज़्ज़मा साहब कहते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। अब तर्जुमा इनका सुनिए, कहते हैं कि लोगों बेशक तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया, फिर अपने तख्त पर बैठा और दुनिया का इंतजाम वही बैठे बैठे करता। आप में से कोई मानता है अल्लाह बैठा? ये तौहीद है या नहीं? अर्श मखलूक है और अल्लाह मखलूक का सहारा लेने से पाक। अल्लाह की जात अजली है, अबदी है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और अर्श अजली और अबदी नहीं है। जब अर्श नहीं था तब भी वो मौजूद था, जब अर्श को फदा कर देगा तब भी वो मौजूद रहेगा, तो उसको अर्श की जरूरत क्यों पड़ेगी? बैठता वह जो थक जाता है। तो आपने खुदा को अर्श पर बिठाया, माज़ल्लाह गोया ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह थक गया था। और क्यों थका? 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए, तो 6 दिन में आसमान जमीन बनाते 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 जब थक गया तो अर्श पर बैठ गया कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो जब ये अकीदा आप कुरान के तर्जुमे की बुनियाद पर लोगों में पेरोगे, लोगों में बयान करोगे, और ये ऐसे तराजी पेश किए जाएंगे और कहेंगे देखो हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हाजियों को मुफ्त कुरान दे रहे हैं, मुफ्त कुरान दे रहे हैं, ऐसे ही तर्जुमे जब गैरों के हाथ में पड़ेंगे कहेंगे जनाब झगड़ा खत्म, कोई हिंदू मजहब में और इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपका भी खुदा तख्त पे बैठा है, हमारे भी 4 भगवान है अलग अलग जगह बैठे, एक कमल पे बैठे, एक जो है 3 भगवान है, बेसिक तो 3 है, त्रिमूर्ति बोलते हैं वो लोग, एक हमारे भगवान जो है वो कमल के फूल पे बैठे हुए, एक सांप की कुंडली पे बैठे हुए, एक हिमालय की चोटी पे बैठे हुए, हमारे यहां भी ईश्वर बैठा है, आपका भी खुदा तख्त पे बैठा है, प्रॉब्लम क्या है? फिर वो आकार वाला कहां रहा, निराकार कहां रहा? हमारा तो अकीदा यही है कि वो जिस जिससे पाक है जिस वही नहीं। शरा अकायद में इमाम सादुद्दीन तब्तदानी फरमाते हैं वला चिश्मा लअन्नहु मुतरक्कबुन व मुताहिजुन व ज़ालिका इमारतुल हुदूस। कहते हैं अल्लाह जिस्म नहीं है, अल्लाह जिस्म होने से पाक, उसका कोई जिस्म नहीं, इसलिए कि जिस्म मुरक्कब होता है। जिस्म क्या होता है? मुरक्कब होता है, मुतहीज होता है, और ये हुदूस की अलामत है। अब हुदूस क्या है मैं थोड़ा आसान करके समझा दूं, अब मुरक्कब क्या है ये भी समझा दूं, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। मुरक्कब कहते हैं चंद चीजों के मजमुए को, चंद चीजों को मिलाओ उसको मुरक्कब कहा जाता है। जैसे इंसान एक मुरक्कब है, क्या है हमारे जिस्म के अंदर मिला हुआ? मिट्टी, आग, पानी और हवा, 4 चीजें मिली इंसान बना। तो जिस्म के लिए मटेरियल चाहिए, बगैर मटेरियल के कोई जिस्म
नहीं होता तो अगर तुम अल्लाह का जिस्म मानोगे तो मटेरियल मानना पड़ेगा। तो माज़ अल्लाह तुमने खुदा को बाद में माना, खुदा से पहले मटेरियल का वजूद तस्लीम कर लिया। इसलिए कि मिट्टी पहले थी, इंसान नहीं था, मिट्टी से इंसान बना, इंसान से मिट्टी नहीं बनी। मिट्टी थी तो इंसान बना, हवा से इंसान बना, आग से इंसान बना। तो तुम कह रहे हो खुदा जिस्म है माज़ अल्लाह। अल्लामा साजुद्दीन तब्तज़ानी जो इमाम है हमारे अकायद के, शरहुल अकायद सफा 58 पर ये बात उन्होंने बयान की। बाकी फिर अल्लाह को मुरक्कब मानना पड़ेगा, और मुरक्कब मानने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह चंद चीजों से मिलकर बना। तो जितने मटेरियल अल्लाह में माने जाए तो माज़ अल्लाह अल्लाह का वजूद बाद में, मटेरियलों का वजूद पहले हुआ। ये तो कुफ्र की बात है। और ये अलामत हुदूस की है। हुदूस यानी पहले नहीं था फिर वजूद में आया, अभी फना भी हो जाए। और अल्लाह गैर हादी से उसको फना नहीं, वो जिस से पाक है थकने से पाक। थकता जिस्म है, जिस्म को थकावट होती है, जिस्म के लवाजमात है, और खुदा जिस्म ही नहीं है तो इसलिए थकता भी नहीं है। और कुरान के अंदर आयतुल कुर्सी में फरमाता है तुम्हारा रब है जो सोने और ऊँघने से पाक। क्या है? वला सनातु वला नौम, वला सनातु वला नौम। और तुम्हारा तेरा रब वो है जो ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद आती है। वो ऊँघने से भी पाक, सोने से भी पाक, बैठने से भी पाक। मूसा अलैहि सलाम ने एक बार अल्लाह से अर्ज की, परवरदिगार तू थकता भी है, तुझे नींद भी आती है। अब हजरत मूसा ने इसलिए नहीं पूछा कि माज़ अल्लाह हजरत मूसा का अकीदा नहीं था। देखिए नबी जब भी कुछ पूछता है वो उम्मत के लिए पूछता है। मकसद ये होता है नबी का कि मैं सवाल करूं, जब जवाब आए तो वो उम्मत के लिए दलील और सनद बन जाए। जैसे कुरान में हजरत इब्राहिम का वाक्य, इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा परवरदिगार तुम मुर्दों को कैसे जिलाएगा। तो अल्लाह ने फिर बताया, ये नहीं कि हजरत इब्राहिम को यकीन नहीं था कि अल्लाह जिलाने पे कादिर नहीं, नहीं, उम्मत की तालीम के लिए। तो हजरत मूसा को तो पता था कि अल्लाह सोने से पाक है, ऊँघने से पाक है, मगर सवाल इसलिए किया कि जब जवाब मिले तो मेरी उम्मत के लिए दलील, एक वाक्या, एक सनद बन जाए। परवरदिगार क्या तू सोता भी है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा अच्छा ऐसा करो कल कोहे तूर पर जब आना ना दो आईने दो शीशे बड़े बड़े लेकर आना, इतने बड़े बड़े शीशे जो तुम्हारे कद के बराबर हो। हजरत मूसा दो आईने लेकर पहुंचे, उनके कद के बराबर आईने थे। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए कोई तूर पर, मौला हाजिर हुए। अल्लाह ने फरमाया एक आईने को एक हाथ में पकड़ो, दूसरे आईने को दूसरे हाथ में पकड़ो, और अहम मूसा खड़े रहो, बस जब तक खड़े रहो तब तक हम तुम्हें बैठने का हुक्म ना दे दें, खड़े रहो। मूसा अलैहि सलाम खड़े हैं सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम खड़े हैं, बैठने का हुक्म नहीं हुआ। शाम से रात हो गई, हुक्म नहीं है बैठो, खड़े आईना पकड़ के। रात के बाद पहला पैर रात का गुजरा खड़े है, दूसरा पैर गुजरा खड़े है, तीसरा पैर गुजरा खड़े है, अब चौथा पैर सुबह सादिक का वक्त, फजर का वक्त, बड़ी ठंडी ठंडी खुशगवार हवाएं चलती है, बड़ी मजेदार हवाएं चलती है। जैसी ठंडी ठंडी हवा गुजरी, मूसा को छूकर गुजरी, थके हुए थे दिन भर से पकड़ के खड़े हुए थे, एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए हल्की सी झपकी आई, आग बंद हुई, हाथ से आईने छूटे, आपस में टकराए, चकराचूर हो। जब आवाज आई शीशों की हड़बड़ा के नीचे उतरे थे, घबरा सजदे में गिर गए, मौला तेरी पनाह चाहता हूं, खालिक कायनात तेरे हुक्म की फरमा बरदारी नहीं हुई मुझसे, मुझे बख्श दे मेरे मौला। अल्लाह ने फरमाया मूसा घबरा मत, तुझ पर एताब नहीं होगा, तुझ पर अजाब नहीं होगा, दर हकीकत तेरे सवालों का जवाब दिया गया। मौला मेरे सवाल का जवाब कैसे? ऐ मूसा तूने क्या पूछा नहीं था? परवरदिगार तू सोता भी है? ऐ मूसा दो आईनों की रखवाली तेरे जिम्मे पे रखी, दो आईनों की हिफाजत कर, एक आज के लिए तुझे ऊंग आई और तू आईनों की हिफाजत ना कर सका। हम तो पूरी कायनात का निजाम चला रहे हैं, अगर हम ऊंग जाए सो जाए कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। तेरा रब सोने से पाक, ये क्या लगाया तुमने अर्श पर बैठा और बैठे बैठे काम करवा, तो बैठा है तो उठेगा क्या? भी नहीं हमें ये बता दो। और जिस लफ्ज का तर्जमा तुम करते हो सुम मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर बैठा, इस्तवा का मायने तुमने बैठना लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूँ, कोई माई कलाल यहाँ का अहले हदीस वहाबी हो, मैं कल तक ठहरा हूँ, पूरा दिन हूँ कल में, कल का पूरा दिन हूँ, कोई आए मेरी कयामगाह पर मोस्ट वेलकम, खुशामदीद कहता हूं कि कल वो आए और इस्तवा के मायने बैठना किस लुगत में है वो मुझे दिखा दे।
तुम साबित कुछ नहीं करते हो, सिर्फ बस अकीदे अपने पेरते रहते हो, लोगों में बरादरी करते रहते हो। तुम कहते हो कि मुनाजरा हम इसलिए नहीं करेंगे, झगड़ा हो जाएगा, तो चलो हमने उसका भी हल निकाल दिया कि भाई मुनाजरे में झगड़े की भी अब नौबत नहीं है, वीडियो कैमरे कब काम आएंगे, टेक्नोलॉजी का फायदा कब मिलेगा, तुम और हम बैठे कमरे में बैठे कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक में मजमे में बैठे, तेरा मौला हमारे मौलवी हम लोग तेरे मौलवी, बैठ जाए मुनाजरा हो जाए, जो कुछ मुनाजरा हो रिकॉर्ड हो जाए, कौम खुद कैसे घरों पे लगा के देख ले कौन कितना लफड़ था और कौन कितना अकलमंद था, किसका अकीदा अच्छा था और किसका अकीदा घटिया था। तुम इस पर भी क्यों तैयार नहीं होते, इसलिए कि तुम्हारे दिल में चोर है, काला धन है तुम्हारे पास, इसलिए तुम बोल नहीं रहे हो, उगल नहीं रहे हो, बोलोगे तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, काला धन पकड़ में आ जाएगा, है कि नहीं? इनका अकीदा काला है, जिसको ये धन समझ रहे हो गंदा अकीदा है, छुपाते हैं, सामने आके बात नहीं करते, गले में हाथ डालते हैं, बरेली के मौलाना आते झगड़े की बात करते, अच्छा तू बड़ा सुला कुल्ली है तो फिर जंगे बद्र को निकाल दे इस्लाम से, जंगे ओहद को निकाल दे इस्लाम से, जंगे खंदक को निकाल दे इस्लाम से, करबला को निकाल दे इस्लाम से, अबे ये जंगे नबी ने और नबी के शहजादों ने लड़ी है या नहीं, तो तू कौन से इस्लाम को मानता है, वो एक वो मतलब इख्तियार कर ले, वहां जन का तस्वुर नहीं, कौन सा धर्म बोल बता दो, वो जैन मजहब है जहां नंगे बैठे रहते, वो मतलब मजहब में गुच्छा पे सब सब चोर चोर मौसेरे भाई, ये क्या है, हमारे इमाम कहते हैं आयत मुतशाबिह है, इसके तर्जुमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जिस से पाक है, इमाम रब्बानी मुजद्दीद अल्फ सानी शेख अहमद सरंदी, जो अपने जमाने के मुजद्दीद हैं और अकबर के खिलाफ दीन इलाही जब उसने खड़ा किया, दीन इलाही बनाया, उसके खिलाफ खड़े हुए, उनकी किताब है मक्तूबात रब्बानी जिन नंबर 3 सफा 63 में फरमाते उताला असिफात व लवाजिम जवाहिर व अजसाम व इराद मुनज्जा, कहते हैं कि लोगों अल्लाह की जो सिफात है वो लवाजिम जवाहिर और अजसाम इराद से पाक है। अब ये लफ्ज समझाने पड़ेंगे मुझे, सिफात तो आपको समझ में आ गई होगी, लवाजिम जवाहिर अजसाम इराद, जवाहिर यानी मटेरियल जौहर, हर चीज के बनने से पहले एक जौहर होता है, जैसे हार बनाए तो हार से पहले एक सोना का चल्ला चाहिए, गोया ये एक तरह का जौहर है, हर चीज के वजूद से पहले एक शक्ल होती है, मसलन दरख्त है तो दरख्त से पहले बीज है, बीज के जौहर है, अल्लाह जौहर से पाक, ऐसा नहीं है कि अल्लाह किसी चीज से वजूद में आया, ये तो कुफर का अकीदा है, हमारे रब्बानी फरमाते हैं उससे पाक है कि कोई जौहर उसको वजूद बख्शे, वो अजसाम से जिस्म होने से पाक है, जिस्म नहीं है उसके, और इराद से पाक, इराद यानी लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा, ये सब हमारे लिए अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह इन चीजों से पाक है, अज मकान और समान वजह कर हजरत उताला नीस की हमा मखलूक वानन, कहते हैं कि और अल्लाह के लिए ना कोई मकान है, किसी मकान में नहीं है, किसी जगह नहीं है, जगह से पाक, मकान से पाक, जहत जहत यानी सिमतों से पाक, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ये हमारे लिए अल्लाह इन हदों से पाक, इसलिए कि मकान मखलूक के लिए है, जगह मखलूक के लिए, ये मखलूक का खालिक है, खुद मखलूक होने से पाक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बहुत ये अकीदे की बातें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं कोशिश करता हूँ, ये बड़ी मुश्किल बातें होती है लेकिन बहुत आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ, और यही वजह अल्लाह का फजल है कि लोग समझते हैं, पसंद करते हैं चीजें, ये हमारे अकायद बेसिक, तो अल्लाह जिस्म नहीं चेहरा नहीं, मगर आइए अपने वालिद और अपने बाप की बात निभाने के लिए आज सारी जमात के ठेकेदार यही कह रहे मौली मेराज रब्बानी, मौलवी मैं लफ्ज बदल रहा हूं यार, ये मौलवी नहीं है अब तो भगोड़ा है, डॉक्टर जाकिर नाइक, ये खुद कहता है अल्लाह का चेहरा भी सुन लीजिए, और अल्लाह बैठा हुआ है उसके ऊपर बैठा हुआ है, साउंड चालू, और मैं कह रहा है कि अल्लाह रहता है क्या, शरीफ सुना अल्लाह, अल्लाह अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, क्या देखा जा सकता है क्या, अल्लाह किधर,
खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। कि अल्लाह किधर आपने कहा घरे तभी हाँ जर्रे जर्रे मौजूद है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह तीन अर्श पे बैठे, अल्लाह तीन अर्श पे बैठे, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। अल्लाह सब जगह बोलना ये हिंदू की तालीम में, इस्लाम की तालीम में नहीं। तो क्या इस्लाम की तालीम में अल्लाह का इल्म सब जगह है लेकिन अल्लाह ताला अर्श के ऊपर बैठे हुए, तो ये मजबूर नहीं बनाया तुमने अल्लाह को? तो किस आयत में है कि भाई अल्लाह अर्श पर बैठा है? जबकि अइम्मा इकराम क्या फरमाते, अइम्मा जरा क्या कहते हैं, आइए जरा देखिए ये किताब है किताबुल अस्मा व सिफात, इमाम बहकी की, बहुत बड़े वक्त के इमाम गुजरे, सफा नंबर 150 जी नंबर 2 कहते हैं अल इस्तवाउ फल मुतकद्दिमूना मिन असहाबीना رضی اللہ عنہم قالوا لا يفسرونها ولا يتكلمون في نحوی مذہبهم ان سال ذلك، کہتے ہیں کہ ہمارے استوا کے متعلق یعنی جو قرآن میں آیا استوا اس لفظ کے متعلق ہمارے متقدمین اصحاب پہلے کے بزرگان دین پہلے کے سلف صالحین پہلے کے بڑے بڑے امام صحابہ وغیرہ اس لفظ کی کوئی تفسیر اور معنی بیان ہی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اس لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے تھے، اس کے متعلق وہ کوئی کلام نہیں کرتے، ولا یتکلمون فی ان بارے میں وہ کوئی گفتگو بھی نہیں کرتے، کا نحوی مذہب ہی فی انسان ذلک، جیسا کہ ان کا مذہب ہے کہ آیت متشابہات کے بارے میں خاموشی اختیار کی، اس پر وہ پابند رہتے تھے۔ حضرت امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک لکھی، بہت بڑے وقت کے امام ہیں، یہ وہ امام ہے جن کو بابڑے بھی مانتے ہیں، جن کے حوالے پیش کر رہا ہوں، لیکن بس ماننے کے دعوے ہیں باتیں نہیں مانتے۔ جل نمبر 3 صفحہ 48 سورہ طہ آیت نمبر 5 کی تفسیر میں فرماتے ہیں والمذہب و قول علی رضی اللہ تعالی عنہ، مذہب وہ ہے جو حضرت علی کا قول ہے، یعنی کہتے ہیں صحیح بات ہوا ہے، حق وہ ہے جو حضرت علی نے فرمائی، اور مولا کائنات نے کیا فرمایا الاستواء مجهول، استواء مجهول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ استواء سے کیا مطلب ہے۔ حضرت علی کہہ رہے مجھے نہیں معلوم، اور یہ آج کے دو ٹانگ کے ملاؤں کو معلوم ہوگا کہ بیٹھا ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو تم کیسے ہو، کون ہوتے ہو جو اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہو؟ الاستواء مجهول والتكيف غير معقول، اور اس کی کیفیت عقل سے پرے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل نہیں کام کرتی کہ وہ بیٹھا ہے یا بیٹھنے سے پاک ہے تو پھر کیوں ہے کیسا ہے، اس بارے میں بحث ہی فضول ہے، ہمیں نہیں معلوم، عقل ہماری کام نہیں کرتی اس پر، والایمان به واجب، اور اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے، استوا فرمایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، والسوال عنہ بدعت، اور اس بارے میں سوال کرنا ہم بدعت جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مکان نہیں پیدا کیا تھا، جب عرش نہیں بنایا تھا، تب بھی وہ عرش پر بیٹھنے سے پاک تھا، اور عرش بنانے کے بعد بھی عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، اور عرش کو فنا کرنے کے بعد